हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार। मैंने देखा कि मतलब आप इतना बड़ा स्मार्टफोन, इतना हाईटेक स्मार्टफोन रखते हो, फिर भी आप लोगों को ये पता नहीं है कि आप चाहे 10 मोबाइल फ़ोन भी चेंज कर लो, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर सिंक करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी, ये जो प्ले स्टोर है इसमें अपनी जीमेल आईडी जैसे ही इंसर्ट करोगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिक सिंक हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपके मोबाइल नंबर्स जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सिंक करके सेफ रखने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर, मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स पे जाना है। ये जो कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है इसमें जाना है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद में सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाना है आपको। ठीक है, ये आ गई सेटिंग्स का ऑप्शन। इसमें देखो आप कॉन्टैक्ट सिंक सेटिंग, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। कोई भी अगर आपकी एक से ज़्यादा मेल आईडी है या एक मेल आईडी, तो मेल आईडी यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से, ये वाले कोई सी भी आपको। फिर यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली सिंक गूगल कॉन्टैक्ट्स, मतलब आपकी जीमेल आईडी में जितनी भी मेल आईडी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी आप सिंक करके सेफ रख सकते हो, और बैकअप एंड सिंक डिवाइस कॉन्टैक्ट्स, जितने भी मोबाइल में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे करना है मैनेज सेटिंग्स, ये आ गया देखो, ऑटोमेटिकली बैकअप एंड सिंक डिवाइस कॉन्टेक्ट्स। इसको आप जैसे ही ऑन करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि किस मेल आईडी पे आपको ये सिंक करके रखना है। मेरी जो मेन मेल आईडी में उस पर सिंक कर देता हूँ, ये इस पर सिंक होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये वाला ऑप्शन आता है, मैनेज सेटिंग्स में जाना है आपको। ऑटोमेटिकली सिंक ऑलरेडी किया हुआ है, आप रिफ्रेश भी कर सकते हो, जैसे ऑफ करके ऑन करोगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब जैसे अगर आपको मोबाइल चेंज करना है कि ये मोबाइल बंद कर दिया, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप प्ले स्टोर से मोबाइल आपकी मेल आईडी हटाओगे, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस फ़ोन से हट जाएंगे, और दूसरे नए मोबाइल में जैसे ही आप प्ले स्टोर में अपनी मेल आईडी इंसर्ट करोगे, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे, सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर, जरूर कर देना। थैंक यू।